हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक दैट इज द मेमोरी ग्लैंड मेमोरी ग्लैंड के रेस्पेक्ट में अगर हम स्टडी करें जो तो इसी को हम एक और नाम देते हैं दैट इज द बोलते हैं जो मेमोरी ग्लैंड है दैट्स प्रेजेंट पेयर पेयर में होती है मेमोरी ग्लैंड जब हम मैमल्स के रेफरेंस में स्टडी करते हैं तो हम बोलते हैं कि प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड जो है दैट इज द मेन फीचर ऑफ मैमल्स बट मेल में जब हम देखते हैं तो मेल में तो मैमरी ग्लैंड कैसी है बच्चों नॉन फंक्शनल और फीमेल में कैसी होती है फीमेल या हम बोल दें प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मैमरी ग्लैंड जो होगा दैट इज द मेन फीचर ऑफ मैमिलियन फीमेल नेक्स्ट अगर लें तो जो मैमरी ग्लैंड है उनमें क्या प्रेजेंट रहेगा बच्चे कुछ ग्लैंडुलर टिश्यू जब हम ग्लैंड बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ वहां सीक्रेटरी टिश्यू होंगे भी तो ग्लैंडुलर टिश्यू है विद द ग्लैंडुलर टिश्यू यहां पर प्रेजेंट प्रेजेंट होता है वेरिएबल वेरिएबल अमाउंट अमाउंट ऑफ ऑफ फैट फैट विद्लैंडल मेमोरी ग्लैंड और जो मेमोरी ग्लैंड है उनको हमने बोला है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर ऑफ फीमेल जब हमने फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात की थी तो वहां पर बोला था पेयर ऑफ ओवरीज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमने बोला बच्चों फैलोपियन ट्यूब यूट्रस और दैट और द जो मेमोरी ग्लैंड है उसको ना तो हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में किया किया था और ना किया है इन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन तो मेमोरी ग्लैंड क्या है तो जो मेमोरी ग्लैंड है बच्चों दैट इज द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर ऑफ फीमेल मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छे से याद रखिएगा कि जो मेमोरी ग्लैंड है इट्स नॉट द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ये क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर ऑफ फीमेल अब ये सेक्सुअल करेक्टर क्या होते हैं तो जो सेक्सुअल करेक्टर हैं ये वो हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों मेल एंड फीमेल में जो मेल एंड फीमेल में डिफ्रेंशिएट करते हैं वो है सेक्सुअल करेक्टर ये भी दो टाइप के होते हैं एक आता है प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टर और एक होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर बाय तो बर्थ जो, जो बाय बर्थ से ही प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टर और सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर वो हैं जिनका डेवलपमेंट कब होगा तो हम बोलते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी तो जो मेमरी ग्लैंड है फीमेल में इनका डेवलपमेंट होता है प्यूबर्टी के टाइम से के से फीमेल के ब्लड स्टीम में प्रेजेंट होने लगेगा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रेजेस्ट्रोन और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसको हम बोल रहे होंगे तो फीमेल का और इनका डेवलपमेंट कब होगा तो हम बोलेंगे बच्चों उनको हम बोलते हैं एक्जुक्राइन ग्लैंड कैसी ग्लैंड है एक्जुक्राइन ग्लैंड है

जब हम स्वेट ग्लैंड को स्टडी करते हैं बच्चों तो स्वेट ग्लैंड में हमें देखने को मिलते हैं कुछ मायो एपीथिलियल सेल और जो माओ एपिथिलियल सेल्स होते हैं दैट हैविंग द कॉन्टेक्टाइल प्रॉपर्टी और जब स्वेट ग्लैंड के माओ एपिथिलियल सेल्स में कॉन्टेक्शन होगा तो स्वेट ग्लैंड से बाहर आता है स्वेट सेम मैमरी ग्लैंड में भी हमें देखने को मिलते हैं मायो एपीथिलियल सेल्स और जो मैमरी ग्लैंड के माओपीथिलियल सेल्स होंगे उनमें कॉन्टेक्शन होगा और उसकी वजह से मिल्क का क्या होना है इजेक्शन मैमरी ग्लैंड के रेफरेंस में हमने बोला फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है एक्जग्र किसका मॉडिफिकेशन है तो हमने बोला यह है मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट

रिब्स के बीच में जो स्पेस होती है बच्चों उसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस और उस स्पेस में हमें कुछ मसल्स देखने को मिलेंगे जिनको हम क्या नाम दे रहे हैं इंटरकोस्टल मसल इंटरकोस्टल मसल विद यही पर कुछ हमें ये जो स्ट्रक्चर बना रखा है कुछ और मसल हमें देखने को मिली जो है हमारी पैक्ट्रोलिस मेजर मसल जो हमारी चेस्ट मसल है वो है पैक्ट्रोलिस मेजर मसल मैमरी ग्लैंड जो है उस पर हमें स्किन देखने को मिलेगी और यहीं पर हमें कुछ देखने को मिला है फैट जो यहां पर हमने बाय द येलो कलर रिप्रेजेंट कर रखा है वो है फैट अब हमने बोला कि मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराएगा बच्चों एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर का डेवलपमेंट करा रहा है फीमेल में एस्ट्रोजन तो एस्ट्रोजन ने किया क्या यहाँ मेमोरी ग्लैंड में कि मेमोरी ग्लैंड में जो है फैट का डिपोजिशन होगा इस फैट डिपोजिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हॉर्मोन कौन होता है एस्ट्रोजन अब फीमेल टू फीमेल वेरी करता है ये फीमेल फीमेल अमाउंट तो कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिले और इनको बोला है मैमरी लोब्स जैसे मैं बोल दूं एक मैमरी लोब हमारा ये हो गया एक मैमरी लोब ये हो गया एक मैमरी लोब ये हो गया इनको बोल रहे हैं स्ट्रक्चर्स को मैमरी लोब तो एक ब्रेस्ट की जब हम बात करते हैं एक ब्रेस्ट के अंदर नंबर ऑफ मैमरी लोब्स कितना है बच्चों फिफ्टीन टू 20. इंपोर्टेंट है डाटा अच्छे से याद रखिएगा नंबर ऑफ मैमरी लोब इन अ ब्रेस्ट दैट इज़ द 15 टू 20. अब जब हम मैमरी लोब को देखते हैं तो लोब के अंदर हमें कुछ बंचेज की फॉर्म में जैसे ये बंचेज की में ये ये स्ट्रक्चर हुए की फॉर्म में जो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं ये है बच्चों मैमरी एलव और मैमरी एल्विलाई ही वो साइट है जहां पर होना है सिंथेसिस ऑफ मिल्क बाय द इंफ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन प्रोलैक्टिन यहां इस मैमरी एलव के अंदर क्या होना है सिंथेसिस ऑफ मिल्क मैमरी एल्विलाई में हुआ सिंथेसिस ऑफ मिल्क एल्वलाई से ये हमें कुछ देखने को मिल रही हैं इस टाइप से बच्चों छोटी-छोटी ट्यूबल्स कुछ ट्यूब्स देखने को मिली और इनको क्या नाम दिया हमने दैट्स आर द मेमोरी ट्यूबल्स मेमोरी एल्वलाई में सिंथेसिस हुआ एल्वलाई से मिल कहां पर आएगा तो हम बोल रहे हैं इन द मेमोरी ट्यूबल्स ट्यूबल्स वो हैं उससे मिल्क कहां पहुंचेगा तो हम बोलेंगे इन अ डक्ट दैट इज द मेमोरी डक्ट और मैमरी डक्ट ओपन हो रही है एक वाइड रीजन में इस पोर्शन को क्या नाम दे दिया मैमरी एम्पुला और जो मैमरी एम्पुला है उससे निकली है एक और और जिसको क्या बोला बच्चों लैक्टिफेरस लैक्टिफेरस हर की ये जो निप्पल है इस निप्पल पर एक ओपनिंग होगी एक क्या प्रेजेंट होता है पोर पोर प्रेजेंट होगा न्यूबॉर्न बोर्न बेबी जिस स्ट्रक्चर पर एक्ट करता है दैट इज द लैक्टिफेरस ड हमने बोला कि अगर मैं बात करूं जब कट सेक्शन लिया तो हमें देखने को मिले भी मैमरी लोब इंपोर्टेंट मैमरी लोब्स का नंबर 15 टू 20 मैमरी लोब्स के अंदर क्या मिल रहे हैं बच्चों मैमरी एल्वलाई जहां होना है ऑफ मिल्क मैमरी एलवई से मिल्क कहां आया इन मैमरी ट्रिबुल्स ट्रिबुल्स से आएगा इन मैमरी डप्ट डक से आया इन मैमरी एमपोलास डक और, फिर है लैक्टिफरस और हर लैक्टिफरस की यहाँ पर एक ओपनिंग होगी और क्या प्रेजेंट होगा और उसको बोलते हैं एरे अगर हम पाथवे बोले पाथवे की बात करें यहां पर मिल्क का पाथवे क्या हुआ बच्चों तो हमने बोला सबसे पहले मैमरी मिल्क एल्वलाई से मिल्क कहां पर आएगा इन मैमरी ट्रिब्यूज और जो ट्यूब्यूल्स है उससे आया कहां तो हम बोलेंगे इन मैमरी डक्ट डक्ट से आया इन मैमरी एम्पुला और एम्पुला से आएगा इन लैक्टिफेरस डक्ट और लैक्टिफेरस डक्ट जो है इसी को प्रेस करेगा न्यूबॉर्न बेबी और मिल्क का क्या होना है इजेक्शन इंपॉर्टेंट है कि न्यूबॉर्न बेबी जिस स्ट्रक्चर पर एक्ट करता है वो क्या है दैट इज लैक्टिफेरस डक्ट अगर हम बात करें यहां कि मैमरी ग्लैंड में

नेक्स्ट हमने बोला द मैमरी प्यूबर्टी के, के ब्लड स्ट्रीम में प्यूबर्टी के टाइम से ही प्रेजेंट होने लगेगा हार्मोन एस्ट्रोजन प्रेजेंट हो रहा है अब एस्ट्रोजन के रेफरेंस में हम बोल रहे हैं कि एक तो उसने फैट डिपोजिशन कराया दूसरा अपन बोल रहे हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का कर डेवलपमेंट कराएगा फीमेल में विद एस्ट्रोजन जो है वो फैट डिपोजिशन के साथ साथ मैमरी ग्लैंड में बच्चों करवाता है डक्टुलर डेवलपमेंट जो डक्टुलर सिस्टम बनेगा उस डक्टुलर सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन हो जाना है एस्ट्रोजन विद प्रेजिस्ट्रोन भी था प्रोजेस्ट्रोन करवाता है एल्वुलर डेवलपमेंट तो प्रोजेस्ट्रोन जो है उसके वजह से एल्विलाई जो है वो बन तो गई बट वो कैसी है बच्चों वहां पर हम बोल बोलेंगे प्रोजेस्ट्रोन की वजह से फॉर्मेशन तो हुआ बट एल्विलाई कैसी पड़ी हैं कोलैप्स श्रिंक पड़ी हुई हैं एल्विलाई अब जब फीमेल करेगी प्रेगनेंसी को तो प्रेगनेंसी के टाइम पर फीमेल के ब्लड स्ट्रीम बढ़ा रहता है हार्मोन हॉर्मोन और जो हम बोल रहे हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर कई गुना बढ़ा रहेगा हार्मोन प्रेजिस्टोन उस राइजर लेवल ऑफ प्रोजेस्टोन की वजह से प्रेगनेंसी के टाइम पर जो एलविलाई होंगी वो क्या होंगी एक्सपोज आउट एक्सपोज आउट होंगी एलविलाई

In the क्या होगा बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हम बोल रहे हैं द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल या हम ऐसे बोल दें आफ्टर द चाइल बर्थ जो मिल्क रिलीज होता है वो क्या है कोलेस्ट्रोम और कोलेस्ट्रॉम में क्या प्रेजेंट है बच्चों सेवरल एंटीबॉडीज जो एंटीबॉडी होगी में वो है आईजीए अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि कोलेस्ट्रॉम में कौन सी एंटीबॉडी है, मेली कौन सी है सिर्फ नहीं कुछ कंटेन में आईजीजी भी होगी और दूसरी एंटीबॉडीज भी होंगी बट मेनली जो एंटीबॉडी है वो है आईजीए डायरेक्टली पूछा जाए कोलेट्रॉम कंटेंट विच एंटीबॉडीज एन आंसर इज आईजीए बट अगर इस टाइप से बोल दे कि कोलेस्ट्रम कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज तब भी स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही और ये जो एंटीबॉडीज होंगी असेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंट फॉर द न्यूबोर्न बेबी न्यूबोर्न बेबी को इम्यूनिटी देने का उसको रेजिस्टेंट डेवलप करेंगे डिफरेंट टाइप के पैथोजन से रोल प्ले करेंगी ये एंटीबॉडीज

कुछ और मसल हमें यहां पर ये वाली जो मसल हुई बच्चों इसको अपन ने क्या बोल दिया दैट इज पैक्ट्रोलिस है मैमरी ग्लैंड इस पर स्किन होनी है और यहां पर क्या प्रेजेंट है फैट यहां हमने साइड्स में रिप्रेजेंट कर दिया है फैट को बट पूरे मैमरी ग्लैंड के अंदर क्या बिखरा रहेगा फैट फैट प्रेजेंट रहेगा और हम बोल रहे हैं कि जब मैमरी ग्लैंड को देखा तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिले बच्चों मैमरी लोब नंबर ऑफ मैमरी लोब्स दैट इज फिफ्टीन टू 20 अब मैमरी लोब के अंदर हमें देखने को मिले कुछ स्ट्रक्चर ये वाले जो क्लस्टर्स की फॉर्म में हमने बना रखे हैं इनको क्या नाम दे दिया मैमरी एल्विलाई जहां होना है सिंथेसिस ऑफ मिल्क एल्विलाई से मिल्क कहां पर आया बच्चों तो हम बोलेंगे इन द मैमरी ट्यूब्यूल्स और जो ट्यूबुल है उसके रेफरेंस में ट्यूब्यूल्स से कहां आएगा तो हमने बोला इन मैमरी डक्ट मैमरी डक्ट में आया और जो मैमरी डक्ट है उससे

जो निपल है वो विद ये दोनों ही कैसे होते हैं यहां कुछ सेंसरी और हम बोलेंगे तो यहां पर जनरेशन किसका होगा बच्चों सेंसेशन का सेंसेशन जनरेट होगी और उसकी वजह से प्रोसीड होता है कुछ हॉर्मोनल एक्शन ओवरऑल अगर हम यहाँ लैक्टेशन का देखें मैगनिज की चलता क्या है लैक्टेशन में मोनल रोल कैसे प्ले होगा तो हमने बोला कि जो सकलिंग करेगा न्यूबॉर्न बेबी कि जो न्यूबॉर्न बेबी है जब वो सक करेगा बच्चों निपल को निपल को जब न्यूबॉर्न में भी सक करेगा तो मैंने बोला निपल कैसा है एरियोला सेंसिटिव है जहां कुछ सेंसरी ना बैंडिंग है जिसकी वजह से जनरेशन हुआ सेंसेशन का और उस सेंसेशन की वजह से हम बोलेंगे कि क्या जनरेट होगा बच्चों कि फीमेल के हाइपोथैलेमस को क्या गया है इंपल्स हाइपोथैलेमस को जब मैसेज गया इंपल्स गई है हाइपोथैलेमस को तो हम बोलेंगे जब हाइपोथैलेमस को गया है बच्चों सिग्नल उसके बाद मैसेज कहां पर जाएगा फीमेल की प्युटरी ग्लैंड को प्युटरी ग्लैंड को मैसेज गया और प्युटरी ग्लैंड से रिलीज होंगे हमारे दो हार्मोन एक आता है प्रोलैक्टिन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन और ये दोनों प्रोलैक्टिन भी और ऑक्सीटोसिन किस पे एक्ट करेंगे मैमरी ग्लैंड पे और जब मैमरी ग्लैंड पे एक्ट करेंगे तो प्रोलैक्टिन जो है वो करवाएगा सिंथेसिस ऑफ मिल्क और ऑक्सीटोसिन कराएगा इजेक्शन ऑफ मिल्क बाय द कॉन्टेक्शन इन मायो एपिथिलियल सेल्स ऑफ मैमरी ग्लैंड

ये था लैक्टेशन के रिगार्डिंग के हार्मोनल रोल किस टाइप से प्ले होता है क्वेश्चन अगर हम देखें कि किस टाइप से क्वेश्चन फॉर्मेट होना है तो फर्स्ट वन ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच प्रेस इज डिवाइडेड इन टू तो हमने बोला कि जो ग्लैंडुलर टिश्यू है मैमरी ग्लैंड के अंदर उनका नंबर कितना है बच्चों दैट इज द फिफ्टीन टू ट्वेंटी कितना हो जाना है फिफ्टीन टू ट्वेंटी नेक्स्ट वन अगर हम लें तो हम बोल रहे हैं द द मिल्क ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन जो येलोइश मिल्क की हम बात कर रहे थे इनिशियल फ्यू डेज आफ्टर द चाइल्ड बर्थ या लैक्टेशन के टाइम पर तो वो क्या हो जाएगा दैट इज कोलास्ट्रॉम न्यूट्रिटिव फ्लोड हम बोल ही नहीं सकते कोई ऑप्शन नहीं एंटीबॉडीज में प्रेजेंट होगी कोलास्ट्रॉम में और सीमन जो है वो कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है रिगार्डिंग द मैमरी मैमरिक्ल नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो हम बोल रहे हैं भाई कि मेनली विच एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉम कि कोलेस्ट्रॉम में मेनली कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो हम बोल रहे हैं कि मेनली कौन सी होगी दैट इज द आईजीए मेनली जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है कोलेस्ट्रॉम में दैट इज द आईजीए एक और हम क्वेश्चन लें तो द मैमरी ग्लैंड ब्रेस्ट कैसे हैं स्ट्रक्चर और उनमें क्या है? तो हमने बोला मैमरी ग्लैंड जो है बच्चों उसमें कुछ ग्लैंडुलर टिश्यू है विद प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट ग्लैंडुलर टिश्यू विद द प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल फैट तो आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ वन